जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने शरीर को ताकतवर और बलवान बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, केवल एक्सरसाइज कर लेने से ही हमारे शरीर में ताकत नहीं आ जाती है, इसके लिए जरूरत होती है एक अच्छी डाइट की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप अपनी डेली डाइट में ऐड कर लेते हो तो इससे आपके शरीर में काफी ज्यादा ताकत आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका शरीर शक्तिशाली भी होगा और बलवान भी होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि अगर आप किसी से कुश्ती लड़ते हो तो आप उसे बड़ी ही आसानी से हरा सकोगे, या अगर आप किसी से पंजा लड़ाते हो तो उसको भी आप बड़ी ही आसानी से हरा सकोगे, और यदि अगर कभी आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो उसे भी आप बड़ी ही आसानी से हरा सकोगे, क्योंकि आपका जो शरीर है वो इतना ताकतवर और शक्तिशाली है कि आपसे कोई जीत नहीं पाएगा। और दोस्तों इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज करके आप अपने शरीर को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए होने वाली है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका शरीर ताकतवर और बलवान बने तो इस वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, और जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना। तो दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो बढ़ते हम अपनी वीडियो पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूं, आइए सबसे पहले मैं आपको उसे दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा चना और मूंग दाल का कॉम्बिनेशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त चीज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने एक बार इसे लेना शुरू कर दिया तो आपका शरीर इतना शक्तिशाली और बलवान हो जाएगा कि आप किसी को भी बड़ी ही आसानी से हरा सकोगे, फिर चाहे आप पंजा लड़ाते हो, कुश्ती लड़ते हो, या अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो उसे भी आप बड़ी आसानी से हरा सकोगे, क्योंकि आपका शरीर इतना शक्तिशाली और बलवान है। और वो कैसे है, इस चीज को केवल खा करके। दोस्तों आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि जो हमारे हॉर्स होते हैं उन्हें खाने के लिए चना दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि चने से उन्हें ताकत मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े घोड़े को चना दिया जाता है ताकत के लिए, तो अगर आप रोजाना इसका सेवन करना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर में कितनी ज्यादा ताकत आएगी। तो आज से ही आप इसे खाना शुरू कर दें, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसकी क्वांटिटी के बारे में, कितना आपको लेना है ये जानना बेहद जरूरी है आपके लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर आपको करना क्या है कि ये जो चने मैंने ले रखे हैं, यहां पर आपको ये 100 ग्राम चना ले लेना है और 50 ग्राम आपको मूंग दाल ले लेनी है, ठीक है। अब इसे आपको खाने के लिए तैयार कैसे करना है, जी हां दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी आप इसे नहीं खा सकते हैं क्योंकि ये जो चने हैं काफी ज्यादा टाइट हैं, ठीक है, और ये मूंग दाल के जो बीज हैं भी काफी ज्यादा टाइट हैं इस समय। तो आपको करना क्या है, एक रात पहले आपको जो मैंने क्वांटिटी बताई है उस क्वांटिटी में ले करके आपको इसमें पानी भर देना है, ठीक है। जो मैंने कटोरी ले रखी है, आप कटोरी ले लें, बाउल ले लें, इसमें आपको पूरा ऊपर तक पानी फिल कर देना है, पानी भर देना है, ठीक है। और ये प्रोसेस आपको एक रात पहले करना है और रात भर इसको ऐसे ही रख करके भिगो करके यानी कि छोड़ देना है। सुबह जब आप इसको देखोगे तो ये काफी ज्यादा मुलायम हो चुके हैं और इसे आप आसानी से खा सकोगे, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारे भाइयों के साथ दिक्कत ये आती है कि वो कहते हैं कि सर हम इसे ऐसे नहीं खा पाते, हमें इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही बोरिंग लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए क्या करता हूं। तो दोस्तों मैं इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसे अच्छे से धो लेता हूं, उसके बाद इसमें प्याज टमाटर काट करके और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल करके इसको खाता हूं। एक चीज यहां पर आप समझ लीजिए कि इसे आपको फ्राई वगैरह नहीं करना है, कच्चा ही इसे आपको खाना है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है।
अब हम बात करेंगे इसके न्यूट्रिशन वैल्यू की। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए चार्ट लगा दूंगा दोनों का ही, आप उसमें देख लीजिएगा कि आपको 100 ग्राम चने में कितना क्या कुछ मिल जाता है और 100 ग्राम मूंग दाल में आपको कितना क्या कुछ मिल जाता है। ये आपको यहाँ पर मैं लगा दूंगा इसका चार्ट, इसी वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बात हो गई ये हमारी कि इसे कैसे आपको खाना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि कैसे इसे आपको खाना है, कब खाना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका खाने का केवल एक ही तरीका है और वो है सुबह इसको आपको मॉर्निंग में खाना है कच्चा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, जब आप फ्रेश हो जाएं उसके 15 मिनट बाद फ्रेश होने के आप इसे ले लें और जैसा कि मैंने आपको बताया इसे आप तैयार कर लें और उसके बाद आप इसे पूरा कंप्लीट फिनिश कर दें। ठीक है, और आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपको 15 से 20 दिनों में ही आपको अपने शरीर में एक अलग सा बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि चने और ये मूंग दाल खाने से आप हमेशा हेल्दी रहोगे, एक्टिव रहोगे, हेल्दी रहोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन भाइयों के साथ एक समस्या ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले हैं, उनका वजन नहीं बढ़ रहा है या जिन भाइयों की बॉडी नहीं बन रही है, तो उनके लिए भी ये रामबाण तरीका है। ठीक है, उनका वजन भी बढ़ेगा, उनका जो बॉडी है वो भी बनेगी और साथ ही साथ उनका शरीर ताकतवर और बलवान भी होगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ये मूंग दाल है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में डाइट्री फाइबर्स जो कि हमारे पेट को साफ करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आपके साथ ये समस्या है कि आपका पेट साफ नहीं होता है तो उस समय आप इसे जरूर लें, इससे आपका पेट साफ हो जाएगा क्योंकि इसमें डाइट्री फाइबर्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि आपके पेट को साफ करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी इसके बारे में। अगर आपको किसी प्रकार का कमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ, उससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त मात्रा में ताकत मिलने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमारी हो गई एक प्रकार की डाइट जिसे आपको लेना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज भी बता देता हूँ, तो सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज है जिसे मैं भी खुद करता हूँ वो है हिंदू पुशअप्स। यहाँ दोस्तों अगर आप हिंदू पुशअप्स लगाते हो तो बहुत ही बेस्ट है। हिंदू पुशअप से हमारी होल बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है और इससे आपके शरीर जो है वो सुडौल होता है और इससे आपके शरीर में ताकत आती है। जहाँ दोस्तों पूरे शरीर में आपकी ताकत आती है, इससे आपकी भुजाएं, आपका जो चेस्ट है, चेस्ट एरिया, शोल्डर, ट्रैप्स वगैरह भी मजबूत होते हैं, हाथ मजबूत होते हैं। ठीक है, आपका कोर टाइट होता है, आपके जो पैर वगैरह वो भी अच्छे खासे इससे मजबूत होते हैं। तो यानी ओवरऑल हमारी बॉडी की एक्सरसाइज है और इससे आपको ज़बरदस्त ताकत मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा आप डेली स्क्वाट लगा सकते हैं 200, ठीक 200 स्क्वाट यानी कि दंड बैठक जिसे हम कहते हैं वो लगाइए, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट होगा और आपकी बॉडी भी बनेगी। ठीक है, और इससे आपके लेग्स भी मजबूत रहेंगे। तो दोस्तों ये हमारी पूरी डाइट और एक्सरसाइज होगी जिसको आपको करना है और अपने शरीर को ताकतवर और बलवान बनाना है। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही।